सरकार छुट्टी देवे अपने अपने प्रांतों में सब लोग मुख्यमंत्री से कहें कि आचार्य श्री महाराज के 50वें दीक्षा दिवस पर इसे अपने राज्य स्तर पर उस 28 तारीख की राष्ट्रीय घोषित किया जाए और हर स्कूलों में उस महापुरुष की श्रद्धांजलि बुनियादि के रूप में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए 50वें दीक्षा दिवस पर भारत के हर राज्य में उस दिन की छुट्टी होना चाहिए। यदि सरकार अपनी बात नहीं सुनती है तो प्रत्येक जैनी के लिए आदेश है, उपदेश है, जिसकी थोड़ी भी श्रद्धा आचार्य श्री के प्रति है, थोड़ा भी नाम लिया है, वो किसी भी नौकरी में हो उस दिन वो नौकरी पे नहीं जाएगा, छुट्टी मनाएगा। कोई भी व्यापारी उस दिन व्यापार नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उस दिन, सारे भारत का व्यापार बंद होना चाहिए। जिस गुरु ने हमें इतना बड़ा उपकार किया है, जिस गुरु ने आज श्रवण संस्कृति को आकाश में पहुंचाया है, जिस गुरु ने सारी दुनिया के लिए एक ऐसा दिशा निर्देश दिया है, क्या उस गुरु के लिए 50 साल में हम एक दिन का त्याग नहीं कर सकते? उन्होंने हमें 50 साल दिए हैं और हमें महा एक दिन देना है। और सारे भारत के व्यापारी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उस दिन स्कूल नहीं जाएंगे, आदि एप्लीकेशन लगा देना चाहिए। मेरे जगत पूज्य बंद विश्व वंदनी पूज्य गुरुदेव का 50वां दीक्षा दिवस है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं साहब को नौकरी पे नहीं जाऊंगा, आज मेरे व्यापार धंधा नहीं होगा, आज का दिन होगा किसी तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य विद्यासागर महाराज की पूजा, गुणानुवाद उनकी आराधना में गुजरेगा। और हो सके तो जहां आचार्य श्री हो छुट्टी मना करके आचार्य श्री के चरणों में जाकर के उनको नमोस्तु कीजिए। 28 तारीख के दिन चिंता मत करना, सब अपने यहां मनाइए, वहां सब बहुत, वहां इतनी भीड़ हो जाएगी संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप यदि आचार्य श्री तक न पहुंच सके तो आचार्य श्री के शिष्य वर्ग जहां हैं वहां जाकर के वह दिन मनाइए। लेकिन एक दिन मात्र आचार्य श्री की यदि भक्ति में, आचार्य श्री ने 50 साल इस दुनिया पर उपकार किए हैं, मात्र आपको एक दिन की सौगंध करना है कि मेरा भारत का कोई जैनी 28 तारीख को व्यापार नहीं करेगा, 28 तारीख को कोई व्यक्ति स्कूल नहीं जाएगा, नौकरी पर नहीं जाएगा, बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, 28 तारीख को भारत का कोई जैनी गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, 28 तारीख को कोई जैनी रात में भोजन नहीं करेगा, 28 तारीख को कोई व्यक्ति आलू प्याज गणंत नहीं खाएगा, 28 तारीख को कोई व्यक्ति 28 जून को कोई व्यक्ति अपने मुंह से गाली नहीं निकालेगा, 28 तारीख को कोई व्यक्ति अपने पर को पूरा पवित्र वातावरण बनाएगा। ये आचार्य श्री का स्वर्ण जयंती मनाने का सरल और सस्ता उपाय है। बड़े बड़े कीर्ति स्तंभ हम नहीं बना सकते हैं, बड़े बड़े कोई और स्मृति नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन तो हम आचार्य श्री के नाम से, जिन्होंने अपने समाज के लिए कितना कर रहे हैं, प्रतिभा स्थली देखिए, हद करगा देखिए, हम सब साधुओं जो भारत में घूम रहे हैं ये उन्हीं की देन है। मात्र श्रावक को, मात्र श्रावक भाग्योदय गौशाला ना जाने कितने हैं, आज मात्र एक बार फरमान जारी किया यहाँ से, भारत के हर व्यक्ति के लिए सच्चे देव साध गुरु को मानता है। और थोड़ा भी है, मात्र एक दिन का व्यापार बंद करना है, मात्र एक दिन का गुटखा छोड़ना है, एक दिन का शराब छोड़ना है, एक दिन का रात्रि भोजन छोड़ना है, उस दिन का आपका सब कुछ पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए समर्पित करना है। आचार्य से बात जाओ तो जाओ, नहीं तो जहां उनके साधु संत हैं वहां बताइए, वहां नहीं पहुंच पाए तो निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र पर जाइए, वहां नहीं पहुंच पाए तो अपने निकटवर्ती मंदिर में सुबह जाकर के आचार्य श्री के नाम का अभिषेक कीजिए और आचार्य श्री के अपने मंदिर में पूजा कीजिए। इतनी बहुत है। 28 तारीख को प्रत्येक जैनी ऐसे जैसे 10 लाख क्षण पर में, साल भर में कभी जावे या नहीं जावे, लेकिन 10 लाख क्षण भर में जरूर आप पूजन करते हो। इसी प्रकार भारत के हर जैनी के लिए मेरा कहना है, जो पुरुष वर्ग हैं वे 28 तारीख को जरूर मंदिर में जाकर के अभिषेक करेगा, जो 8 वर्ष से 80 वर्ष का है आचार्य श्री के नाम का। और साल भर में तुम कभी पूजन करते हो नहीं करते हो, लेकिन 28 जून के दिन, 28 जून ही ना, 28 जून को प्रत्येक जैनी महिला पुरुष मंदिर में जाकर के आचार्य श्री के नाम की पूजा करेगी। आप अपने कॉलोनी में करिए, अपने परिवार को साथ ले जाकर के आचार्य श्री की पूजा करिए। ये सबसे बड़ा उपकार होगा, सबसे बड़ी श्रद्धा होगी और पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे लिए होगा। अगर इतने स्वार्थी ना बन जाए कि वो हमें 50 साल दे दे और हम उनको एक दिन भी ना दे पाए,
और एक दिन व्यापार बंद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाओगे, एक दिन नौकरी पर नहीं जाने से ना जाने तुम कितने पापों के लिए, कितने शादी भाई के लिए झूठे ढेर मेडिकल एप्लीकेशन लगा के जाते हो, बेईमानी से जाते हो। एक गुरु के नाम से यदि व्यवस्था कहे कि हम नहीं दे सकते हैं तो कह देना आज गुरु के नाम से आप नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन 28 जून तो 50 साल के बाद आया है और जिंदगी में पुनः नहीं आना है, कम से कम एक दिन हम नौकरी पर नहीं जाएंगे। बच्चों को अभी से एप्लीकेशन दे दीजिए स्कूलों में कि हम 28 जून को किसी भी हालत में स्कूल नहीं जाएंगे, कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि मेरे गुरुदेव का स्वर्ण जयंती महोत्सव, स्वर्ण दीक्षा जयंती महोत्सव है, उसको मनाइए। महानुभाव सारे भारत में ऐसा तहलका मचा दो उस दिन, घर घर में दीप जलना चाहिए उस दिन, ऐसा कोई घर नहीं बचे। प्रातः काल दीप जले और संध्या काल में दीप जले हर जैनी के घर में, क्योंकि मेरे जय आज मेरे गुरुदेव का दीक्षा दिवस है। प्रातः काल उठते ही 28 जून को हर घर में दीप जलना चाहिए, कम से कम 5 दीप तो जलाओ, 50 शाम को 50 दीप, 50 करते हैं तो ठीक है, 5 में 50 मान लूंगा, 50 करते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5 दीप कम से कम आप अपने घर में जलाइए, आप अपने व्यापार फैक्ट्री में जलाइए, आप अपने ऑफिस में जलाइए, और सुबह 5 दीपक, कम से कम 50 दीपक जलाए तो अच्छी है, और शाम को 50 दीपक जला करके, और अपने अपने मंदिरों में एक दीपक लेकर के जाके देंगे, हे भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे 50 साल जिए हैं, युगों युगों तक हमारे गुरुदेव हमेशा देदीप्यमान रहे, हमेशा अमर रहे, ये दीपक जलाइए। कौन नहीं चाहता कि आचार्य श्री की वरमुरा देखो, लेकिन उसके लिए आपको भावना भाना पड़ेगी। एक मंदिर में दीपक लाके रखना और भगवान से कहना है भगवान जैसे ये दीपक जल रहा है ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव सदा सदा इस पृथ्वी पर देदीप मान रहे और इनका देदीप प्रकाश सारे विश्व को मिलता रहे। ये हर जैनी के लिए 28 तारीख को कम से कम एक दीपक, अधिकतम 50 दीपक, जैसे दिवाली को ले जाते हैं मंदिर में जला करके भगवान के सामने भावना भाना, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में जलाना है। ये छोटे से आइटम है, कोई ज्यादा खर्च का तो नहीं बता दिया है? कोई खर्च का नहीं, ये सहज सरल है। पुरुष याद रखे या नहीं रखे, महिला को 28 तारीख को उठते ही सुबह कह देना है कल तुम व्यापार में नहीं जाओगे, आज 28 तारीख की कमाई मेरे घर में नहीं आएगी, ध्यान रखना 28 तारीख गुरुदेव को होगा। और यदि ये पोषण जयंती के दीपक आपने जला दिए अपने घर में जलाए तो ध्यान रखना गुरुदेव के प्रति तुमने श्रद्धा व्यक्त की है, हो सकता है 28 जून को जो तुम्हारे घर में दीपक जलेगा हो सकता है उस घर में कभी अकाल मौत ना हो, क्योंकि वो दीपक 50 साल की साधना का होगा, वो दीपक 50 साल की तपस्या के लिए होगा, वो दीपक 50 साल के अनंत उपकारी के प्रति होगा, और उस दीपक में इतनी दम इतनी एनर्जी होगी कि उस घर में पर कभी अकाल मौत नहीं होगी, ऐसा एक दीपक का चमत्कार होगा, क्योंकि वो 50 साल की साधना की तपस्या से श्रद्धा से प्रज्वलित किया जाएगा। आप अनंत उपकारी बन करके और 50 साल की श्रद्धा को अपनी व्यक्त करना कि मैं किस शब्दों में चुकाऊं, बस एक ही है भगवान, मैं सूरज के तो दीप नहीं दिखा सकता हूं लेकिन छोटे से दीपक से गुरुदेव की आरती जरूर उतार सकता हूं। और उस दिन शाम को 28 जून के दिन जून को हर शाम को मंदिर में पूरी समाज आकर के आचार्य जी के नाम की आरती करे, अपने घर में बैठ करके एक दीप जलाए। जब तुम इतनी श्रद्धा से दीप जलाओगे, इतनी श्रद्धा से कि मेरे गुरुदेव का 50 साल हो गए हमारे ऊपर उपकार करते हुए, 50 साल की तपस्या है, ऐसी भावना से दीप जलाओगे तो वो दीप ऐसा अनमोल होगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं कर पाए।